नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पौरुष शर्मा और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू के बारे में। दोस्तों, उस इंटरव्यू के बारे में जो कल से आज तक वालों ने हमारे को दिखा दिखा कर हमारे दिमाग का भजिया बना दिया, हमारा दिमाग चाट लिया है। चाहे आप YouTube खोल के देखें या Facebook खोल के देखें या TV खोल के देखें, जगह जगह आपको वही इंटरव्यू दिखेगा। वैसे तो दोस्तों सारे पत्रकारों ने ऑलमोस्ट, जो गोदी मीडिया के पत्रकार थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू ऑलमोस्ट ले ही लिया था, यानी कि रूबिका लियाकत, सुमित अवस्थी और इन तरीके के बहुत सारे पत्रकारों ने हमारे प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ले लिया था। लेकिन आज तक वालों ने अभी तक प्रधानमंत्री का इंटरव्यू नहीं लिया था, तो उनको लगा कि यार जब हम इंटरव्यू लेने जाएं तो यकीनन कुछ नई तरीके से करते हैं, कुछ नई ड्रामेबाजी करते हैं, कुछ अलग ड्रामेबाजी करते हैं। तो दोस्तों, तीन गोदी पत्रकार पहुंच गए नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछने। तीन पत्रकार वहां खड़े हुए ऐसा पोज कर रहे थे कि क्रॉस क्वेश्चनिंग, इंटेरोगेशन चल रही है नरेंद्र मोदी जी से। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, इन तीन पत्रकारों के पास एक ढंग का सवाल नहीं था पूछने के लिए, एक दिमाग वाला सवाल। इनफैक्ट अंजना ओम कश्यप की अगर मैं बात करूं तो वो तो ऐसे सवाल पूछ रही थी मानो कि जैसे रिहर्सल करके वो पहले से आई हो, पहले से उन्होंने प्रधानमंत्री को क्वेश्चन बताए हों और पहले से ही उन्होंने प्रधानमंत्री को उनके साथ बैठ के रिहर्सल भी कराई हो उन आंसर्स की। उसके बाद राहुल कंवल, श्वेता सिंह, इन सबको आप लोग जानते ही हैं, सबके सब गोदी में हुए पड़े हैं, मोदी में हुए पड़े हैं। इनके सवाल भी किसी के सवाल ऐसे नहीं थे जो डायरेक्ट ऑन द फेस हो, ऐसे सवाल हो जैसे कि नौकरियां कहाँ चली गई या फिर इस तरीके की बातें जो थी वो किसी भी पत्रकार ने नहीं पूछी। ब्लैक मनी का जो वापस लाने का वादा किया गया था 100 दिन के अंदर अंदर, या फिर डीमोनेटाइजेशन का जो सोल पर्पस था, GST का जो सोल पर्पस था, उस सब के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुई, कोई भी सवाल नहीं पूछा गया। दोस्तों इन शॉर्ट कंटेंटलेस इंटरव्यू था, बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा। लेकिन दोस्तों जिन लोगों को निकालनी होती है चीज़ें, वो एक ही इंटरव्यू से काफ़ी सारा चीज़ें निकाल लाते हैं, काफ़ी सारा माल मसाला निकाल लाते हैं। और मैं आपका दोस्त पौरुष शर्मा उस इंटरव्यू से एक ऐसी चीज़ निकाल के लेकर आया हूँ जिससे कि हमारे को समझ आता है कि नरेंद्र मोदी जी, उनको खुद समझ आ चुका है कि उनकी इस इलेक्शन में हालत पूरी तरीके से पतली हुई पड़ी है। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस इंटरव्यू में क्या कहा, मैं आपको बताता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने इस इंटरव्यू में एक सवाल पे कहा कि मैं दोबारा बिल्ड करना चाहता हूँ वो बिहेवियर, वो एक एटमॉस्फेयर जहाँ पर अपने जो राजनीतिक आपके अपोजिशन वाले भी हों, आपके जिनसे फाइट हो रही है उनसे भी आपकी दोस्ती कायम रहे, दोस्ती बनी रहे। मैं एक ऐसी चीज़ को दोबारा डेवलप करना चाहता हूँ, ऐसी चीज़ आजकल के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में से ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों ये एक अलग तरीके का मजाक है, मतलब 2019 में बहुत सारे मजाक करे मोदी जी ने, बहुत सारे बाउंसर फेंके हमारे ऊपर, लेकिन ये एक विचित्र टाइप का मजाक है। मतलब ये ट्रेंड लेकर कौन आया था मोदी जी? सर आप ही ये ट्रेंड लेकर आए थे। क्या आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो चुका है? क्या आप बातें भूल जाते हैं? क्या आपको मेमोरी प्लस कैप्सूल खाने की ज़रूरत है? सर प्लीज़ जाके खाइए, क्योंकि ये ट्रेंड लाने वाले तो सोल जो बंदा है जिसको पूरा क्रेडिट जाना चाहिए वो आप ही हैं सर। पूरे टाइम 5 साल में आप इलेक्शन मोड में रहे, आपने कोई काम नहीं करा। ये तो BJP वाले भी खुद आज की डेट में मानते हैं, अंधभक्त भी मानते हैं कि कोई काम नहीं करा, कहते हैं कि भाई काम कोई नहीं करा लेकिन ऑप्शन क्या है, अंधभक्त भी ये बात बोलते हैं। तो आपने 5 साल कोई काम नहीं करा, आपने तो इलेक्शन का डमरू ड्रम बजाए, आपने डंका बजाया इलेक्शन का, 5 साल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन मोड में रहे आप। उस इलेक्शन मोड में सबसे ज़्यादा कीचड़ उछालने का काम सर आपने करा है नरेंद्र मोदी जी। अगर किसी भी तरीके से ये वीडियो आप लोगों उन तक पहुंचा पाओ तो प्लीज़ पहुंचाओ। सर आपने ही करा है इलेक्शन में कीचड़ फैलाने का काम, इलेक्शन में गंदगी फैलाने का काम। आप किसी और को इसके लिए दोषी करार नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको खुद को ही दोषी करार करना पड़ेगा। दोस्तों पूरे इंटरव्यू में कोई भी ऐसी बात नहीं थी, लेकिन इस चीज़ से मुझे ये समझ आ गई कि या तो नरेंद्र मोदी जी को समझ आ गया कि वो हारते हुए नज़र आ रहे हैं। कि इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जब कोई भी बंदा हारता हुआ उसको लग रहा होता है कि हार रहा हूँ मैं, तो पोस्ट पोल अलायंसेस पे काम करने लग जाता है। और यहाँ पर जब नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे को एक आचरण बना के रखना चाहिए, एक बिहेवियर मेंटेन करके रखना चाहिए, एक दोस्ती मेंटेन करके रखनी चाहिए, और उससे पिछले इंटरव्यू में वो कहते हैं कि ममता बनर्जी मुझे मिठाई भेजती हैं, ममता बनर्जी रेगुलरली मुझे मिठाइयाँ गिफ्ट्स भेजती रहती हैं, तो यहाँ पर एक बू आती है पोस्ट पोल अलायंस की। और डेफिनेटली वो बू आती है क्योंकि 5 साल कोई काम करा नहीं, जनता के बीच में बिल्कुल ख़राब छवि हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। जितने भी इनके सांसद हैं, जितने भी इनके प्रत्याशी हैं, उनकी हालत बिल्कुल टाइट पड़ी है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी को पता है कि हो सकता है कि उनको पोस्ट पोल अलायंसेस की ज़रूरत पड़े और पोस्ट पोल अलायंसेस उनसे करने पड़े
जो उनके पूरी तरीके से उनसे उनके अगेंस्ट खड़े हुए थे, उनसे लड़ाई कर रहे थे पूरे इलेक्शन में, इनफैक्ट पूरे 5 साल। तो यहाँ पर एक सॉफ्ट टोन यूज़ करी जा रही है, और साथ ही साथ इस चीज़ के लिए मैं एक और टर्म यूज़ करना चाहता हूँ दोस्तों, कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मतलब ये वही बात हो गई कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पहले आपने 100 चूहों की मौत कर दी, उसके बाद आप हज पे जा रहे हैं, उसके बाद आप ये दिखा रहे हैं कि आप कितने बड़े संत हैं, कितने बड़े पीर हैं, कितने बड़े बाबा हैं, कितने बड़े ब्रह्मचारी हैं। आप अपने आप को ये दिखाना चाह रहे हैं, आपने लगातार कीचड़ उछाले, आपने लगातार किसी का बाप, किसी की माँ, किसी का चाचा, किसी का भतीजा, लगातार आपने ये सब बातें बोली। कोई ही ऐसा शब्द होगा शायद, अभी रिसेंटली तो हमने एक वीडियो में ये भी देखा कि शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने बहन की गाली भी दे डाली, लेकिन इसके अन्य कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है प्रधानमंत्री जी जो आपने ना करी हो, और वो भी किस लिए दोस्तों? इलेक्शन जीतने के लिए। मोदी जी ने ये घटिया चीज़ें, घटियापना, घटिया भाषा, स्टूप लो क्यों करा? क्योंकि वो बार बार इलेक्शन जीतना चाहते थे, और उनको पता था कि मैंने कोई काम नहीं करा, और इलेक्शन जीतने का ज़रिया सिर्फ और सिर्फ यही है। तो आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते सर, आप इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं क्योंकि ये चीज़ आपने ही ख़राब करी है। अच्छी बात है कि अगर आज की डेट में आप लोग आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ ठीक करनी है और एक बिहेवियर होना चाहिए। मैं तो हमेशा से इसके पक्ष में हूँ कि एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हमारी राजनीति में होना चाहिए, और एक डेफिनेटली भाषा के स्तर को मेनटेन रखना चाहिए, गिराना नहीं चाहिए बार बार। तो अगर आज आपको ये बात समझ आ रही है तो चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लीज़ ये मत बताइए, दुनिया को ये मत बताइए कि और लोगों ने ऐसी कोई सिचुएशंस क्रिएट करी हैं जबकि आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी है। दोस्तों आपको ये पूरा इंटरव्यू देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको इस इंटरव्यू में नहीं मिलेगी, कोई भी डायरेक्ट सवाल प्रधानमंत्री से पूछा हुआ नहीं मिलेगा। और मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर प्रधानमंत्री एक्चुअली अपनी बातों को क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, अपने पक्ष को देश के सामने रखना चाहते हैं, तो प्लीज़ रवीश कुमार जी को इंटरव्यू दीजिए, अभिषाक शर्मा जी को इंटरव्यू दीजिए, ऐसे पत्रकारों को, करण थापड़ को इंटरव्यू दीजिए। इन गोदी मीडिया वालों को इंटरव्यू देने से आपका कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि जो लोग जिनको आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो, अक्षय कुमार को लाके जिनको आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, स्विंगिंग वोटर आपके, वो इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होने वाले नहीं हैं। या तो वोट करने के लिए वो घर से निकलेंगे ही नहीं, या फिर अगर वो निकलेंगे तो वो आपके पक्ष में जाके वोट कतई भी करके नहीं आने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, प्लीज़ नरेंद्र मोदी जी के ऐसे गोदी मीडिया वाले इंटरव्यू मत देखिए। और मेरा तो ये भी कहना है कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स सोशल मीडिया पे कूद आए हैं और जगह जगह अपना हल्ला मचा रहे हैं, अपने आप को पब्लिसाइज करते हैं, हर जगह अपने आप को दिखाने के चक्कर में रहते हैं, इनको प्लीज़ बॉयकॉट कीजिए, इनको अगर कर सकते हैं तो इनको रिपोर्ट करिए, और अगर रिपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज़ इग्नोर मारिए, क्योंकि ये ऐसे थंबनेल क्लिकबेट बनाते हैं कि आप इनका वीडियो किसी भी तरीके से खोल लेते हैं। लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली बात वही है, आप टीवी नहीं देख रहे हो, आप मेन स्ट्रीम मीडिया को सोच रहे हो मैंने बॉयकॉट कर दिया, लेकिन आप उसी मेन स्ट्रीम मीडिया के सोशल मीडिया के चैनल को देख रहे हो, तो उन्हीं को सपोर्ट करना एक तरीके से हो गया, और उन्हीं की बातों से इन्फ्लुएंस होना एक तरीके से हो गया। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। दोस्तों अगर आप लोग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां जाके भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।